हेलो स्टूडेंट्स, आज आप मोशन ऑफ सैटेलाइट का सैकेंड लैक्चर लगा रहे हैं। लास्ट लैक्चर के लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट किया, अज आप करन जा रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी और दूसरा करन जा रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। ये दो टॉपिक आप अज कंप्लीट करने हैं। होप सो भी तुसी मेरे नाल कोऑपरेट करोगे तो आप इन्हें कंप्लीट कर देंगे। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अर्थ दे अराउंड सैटेलाइट नू पुट करन दे लई, रिवॉल्व कराउन लई जिहड़ी वेलोसिटी सानू चाहीदी है उस वेलोसिटी नू ऑर्बिटल वेलोसिटी कहिंदे आ। आपां इहदे लई एक्सप्रैशन ड्राइव करना है। एक्सप्रैशन के लिए की है, सपोज करो कि साढ़े को ए वाली अर्थ है, अर्थ का रेडियस एज यूजल आप रखते हैं कैपिटल आर, अर्थ के सरफेस के उपर एक्स हाइट पर लैट ए सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा। अगर अर्थ के सरफेस तो डिस्टेंस एक्स है तो सेंटर ऑफ अर्थ तो यदि डिस्टेंस बन गई आर प्लस एक्स। अगर आर प्लस एक्स है एट दिस पॉइंट, ए वाले पॉइंट के उपर ग्रैविटेशनल फोर्स है वह कितनी होएगी? वी नो दैट ग्रैविटेशनल फोर्स जी एम स्मॉल एम, स्मॉल एम इज अ मास ऑफ अ सैटेलाइट, कैपिटल एम इज अ मास ऑफ द अर्थ एंड जी यू नो सब नु पता है कि यूनिवर्सल ग्रैविटेशनल कॉन्स्टेंट है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस इज अ आर प्लस एक्स, ये डिस्टेंस है। अगर ए वाली डिस्टेंस है तो इधर स्केयर करो। नाउ इट बिकम ग्रेविटेशनल फोर्स एट दिस पॉइंट। अगर ए वाली ग्रेविटेशनल फोर्स इस जगह पे है तो इस सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, डेफिनेटली ए वाली ग्रेविटेशनल फोर्स यूटिलाइज टू मेंटेन सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स दे मेंटेन कर रही है। अगर ए वाली ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर, आर मीन्स आर प्लस एक्स। नाउ एम वी स्केयर ओवर आर प्लस एक्स, इट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर साड़ी ए वाली ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स मेंटेन करा दे तो साड़ा सैटेलाइट 101% रिवॉल्व करेगा। देखियो अगर इस एम नाल ए वाली एम कैंसल, एम नाल एम कैंसल है, पिछे साडे कोले जी एम आर प्लस एक्स द होल स्केयर इज इक्वल टू वी स्केयर आर प्लस एक्स। एग्री? एम ना एम कैंसल होने का मीनिंग है कि वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट वी मास ऑफ सैटेलाइट ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। अगर मास ऑफ सैटेलाइट ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, इट मीनस तुसी 24 के जी का सैटेलाइट लॉन्च कर लो, तुसी 240 के जी का सैटेलाइट लॉन्च कर लो, देर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। वेलोसिटी सेम ही देनी पड़ेगी, चाहे वो लाइट इन वेट है चाहे वो हैवी इन वेट है। ओके है जी। नाउ फ्रॉम दिस आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स द होल स्केयर, आर प्लस एक्स एक कैंसल, वी स्केयर बिकम जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स एंड योर वी बिकम जी एम आर प्लस एक्स द रूट। साढ़े कोले वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। नाउ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, मास के उपर एम ना एम कैंसल की है, डज द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डिपेंड अपॉन द मास? तो बेटा साडा आंसर होएगा नो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। नाउ द मेन थिंग वी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एक्स, छोटी जी अमेंडमेंट है, वी नो दैट जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्केयर एंड जी आर स्केयर इज इक्वल टू जी एम
लेट इट्स सैकेंड सैकेंड इक्वेशन नू फर्स्ट च पुट कर दियो दैन वी इज इक्वल टू जी जी एम दी वैल्यू जी आर स्केयर डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स द रूट वेलोसिटी कैलकुलेटेड है. नाउ सपोज करो कि यूर बेटा वैल्यू ऑफ एक्स या सैटेलाइट वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ. इट मीन्स यू कैन से योर एक्स अप्रोक्सीमेटली जीरो. अप्रोक्सीमेटली जीरो मीन्स योर वी बिकम जी आर स्केयर डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स ओनली आर. एक्स की वैल्यू जीरो पुट की है. आर ना आर कैंसल एंड वी इज इक्वल टू जी आर द रूट. अगर तुसी जी की वैल्यू पुट करो आर की वैल्यू मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ पुट करो तो तुहाडे कोल जिहड़ा आंसर आएगा वेलोसिटी का 7.92 किलोमीटर पर सैकेंड. इट मीनस ए वाली वैल्यू अगर तुसी अर्थ के सरफेस के नेड़े सैटेलाइट नू रिवॉल्व कराने हो तो एटलीस्ट इन्नी होरीजेंटल वेलोसिटी इन्नी मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी सानू प्रोवाइड करानी पेगी. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट. सैटेलाइट का टाइम पीरियड असी किवें कैलकुलेट करना एदी डेफिनेशन. टाइम टेकन बाय इट टू गो वंस अराउंड द अर्थ. अर्थ का एक सर्कल मारन ली एक रेवोल्यूशन करन दे ली अर्थ का एक राउंड मारन दे ली जिन्ना टाइम लगेगा ओ वाला टाइम होएगा साडा टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट. मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू again at this point time taken to complete one rotation is known as a time period of a satellite and it is denoted by t. we know that time period distance divided by velocity. ek circle ka distance kitni cover karega circumference of the circle. circumference of circle divided by velocity. now circumference the formula 2πr 2π. now value of the r is r plus x divided by v. now t become 2π r plus x divided by v. value of v already from the equation number first. value of v is equal to a gm divided by आर प्लस एक्स का रूट. सिंपल मैथमेटिकली ऑपरेशन 2π आर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल इट बिकम आर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय जी एम द रूट एंड योर टी बिकम 2π आर प्लस एक्स रूट तो बाहर मैनू अंदर ले जाना. इट बिकम आर प्लस एक्स अंदर जाएगा स्केयर एक ऑलरेडी साढ़े को 3 डिवाइडेड बाय या इतने डिवाइडेड बाय जी एम. नाउ अगेन अप्रोक्सीमेशन या फर्स्ट वैल्यू ऑफ द जी एम 2π डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स दी क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम. जी एम दी वैल्यू ऑलरेडी जी आर स्केयर. ओके नाउ अगेन अप्रोक्सीमेशन व्हेन योर सैटेलाइट इज वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर तुहाडा सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत ज्यादा नेड़े रिवॉल्व कर रहा है दैन यू कैन से योर आर प्लस एक्स अप्रोक्सीमेटली आर. ये वाली गल बेटा इस तरीके नाल समझी जा सकती है कि आर प्लस एक्स अप्रोक्सीमेटली आर. सपोज करो तुहाडे कोले 1 करोड़ रुपया होए 1-2 रुपए तुम कोई दे दे या तुहाडे तो लै लवे तुसी फिर भी करोड़पति रहना है. मीन्स बहुत वड्डी वैल्यू दे विचों छोटी वैल्यू ऐड कर लो माइनस कर लो कोई इन्ना वड्डा फर्क नहीं पैंदा.
अगर इन्ना वड्डा फर्क नहीं पैंदा तो आर प्लस एक्स आर रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर तो बहुत वड्डी वैल्यू, अगर ये एक्स छोटी मोटी वैल्यू ऐड की जाए तो कोई फर्क नहीं पाएगा। सो आर प्लस एक्स अप्रोक्सीमेटली आर एंड योर टी बिकम 2π रूट ऑफ आर प्लस एक्स मीन्स आर दी क्यूब डिवाइडेड बाय जी आर स्केयर, स्केयर ना बेटा कैंसल, इट बिकम टी इज इक्वल टू 2π आर बाय जी। अगर आर रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट की जाए, जी ग्रैविटी अपना ग्रैविटी की वैल्यू पुट की जाए तो बेटा साढ़े को जोड़ा इस चीज़ को सॉल्व करने तो बाद टाइम पीरियड भी बेटा आंसर बनता है टी इज इक्वल टू 84.6 मिनट। इट मीनस ए वाली जी वैल्यू है कि सॉल्व करके आई है बेटा टी इज इक्वल टू 2π r बाय जी, वैल्यू ऑफ आर 604 किलोमीटर एंड वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोमीटर मीटर कन्वर्ट कर लो एंड सॉल्व करने तो बाद जो सा आंसर आता है टी इज इक्वल टू 84.6 मिनट। आई थिंक सो कैलकुलेशन तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यू ऑल कैन डू, तुम सारी बेटा कर सकते हो एंड टी इज इक्वल टू 84.6 मिनट साढ़े को जो है फाइनल आंसर आ जाता है। ये बड़ी अच्छी गल है कि असी अर्थ के सरफेस के बहुत ज़्यादा नेड़े छटिया से वाला सैटेलाइट, ये वाले सैटेलाइट न अर्थ के बहुत ज़्यादा नेड़े रिवॉल्व किया तो साढ़े को मिनीम टाइम अगर असी घट तो घट भी एक सैटेलाइट में रिवॉल्व करवाना तो सूँ बेटा एटलीस्ट 84.6 मिनट रिक्वायर्ड ने चाहिए ही चाहिए है। इस तो घट दे एक सर्कल नहीं पूरा हो सकता, अगर इस तो घट जो सर्कल नहीं पूरा हो सकता इन्नी विलोसिटी तो घट सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो सकता। इट मीनस दीज टू आर अब मिनीम कंडीशन के सू इन कंडीशन मेनटेन करवाना ही पाएगा, अदरवाइज असं ये वाला काम नहीं कर सकते। होप सो कि तुम सारे बेटा ये समझ आया होगा, बड़े अच्छी आर्टिकल से और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल ने, तो इन्हों अच्छी तरह बेटा प्रिपेयर करना एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सबसक्राइब। थैंक यू।